साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज हम करेंगे ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर 10th का अगला और लास्ट टॉपिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइप ज्वाइंट्स एंड फिटिंग। अभी तक इस चैप्टर में से हम पिछले टॉपिक कर चुके हैं, यानी सिंबल फॉर रिवेट, सिंबल फॉर बार एंड प्रोफाइल सेक्शन, सिंबल फॉर वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग ज्वाइंट्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स। तो ये लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पाइप ज्वाइंट और फिटिंग के लिए हम किस प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक को भी देखते हैं कि पाइप ज्वाइंट और फिटिंग के लिए हम किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं और ड्राइंग फाइल में उसको कैसे बनाना। तो आपको स्क्रीन पर ड्राइंग फाइल दिखाई दे रही होगी, तो हमने इन सिंबल्स को बना दिया है, तो आपने भी अपने ड्राइंग फाइल में इसी प्रकार से सिंबल्स बनाने हैं साफ और सुथरे। तो सबसे पहले आप आउटलाइन लगाओगे चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की, फिर एक लाइन खींच के यहाँ पर हेडिंग लिखोगे सिंबल्स ऑफ पाइप ज्वाइंट एंड फिटिंग्स। इसके बाद आपने इस पूरे पेज को इस प्रकार से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ लिखे जाएगा सीरियल नंबर, कंपोनेंट और सिंबल। तो हमने आधे सिंबल इधर बना दिए हैं और आधे सिंबल इधर, यहाँ भी सीरियल नंबर, कंपोनेंट एंड सिंबल्स। ध्यान ये रखना है जितने भी हम लेटर्स लिखेंगे सभी कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में लिखे जाएंगे। जो भी हम सिंबल्स बनाएंगे बिल्कुल सीध में बनाए जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सीध में बनाना है। दूसरी बात जो आपने विशेष ध्यान देनी है वो ये है, जो सारे बुक्स हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बराबर माप कर लिए गए हैं, तो इनका साइज है सबका बराबर होना चाहिए, आपने ये विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो हमारा सिंबल है वो है कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पर हमारी एक लाइन ये, एक लाइन ये, जो लाइन है ये पाइप को दर्शाती है और ये हमारे ज्वाइंट को दर्शाती है। तो हमने यानी दो जो पाइप हमारे ज्वाइंट करके कपलिंग कर रखी है। नेक्स्ट है कैप, ये पाइप है ये उसके ऊपर कैप है, ये इस प्रकार दिखानी है। अगर आपने प्लग ज्वाइंट दिखाना है तो इस प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है टी, टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट में क्या, टी की शेप मिलती है, टी हमारी इस प्रकार से होती है, तो वही शेप इसमें आई है। एक पाइप ऊपर से आया हुआ है, एक इधर से और यहाँ पर ये वाल लगी हुई है, तो इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाएगा। 90 डिग्री एल्बो, अगर 90 डिग्री पे आपने पाइप को घुमाया है, एल्बो लगाई है, तो इस प्रकार का सिंबल हम प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री एल्बो टर्नड डाउन, अगर आपने उस एल्बो को नीचे डाउन टर्न कर दिया है तो इस प्रकार का सिंबल यूज होगा। 45 डिग्री एल्बो, अगर हमारी एल्बो 45 डिग्री पे है तो हमारा जो एंगल है ये भी लगभग 45 डिग्री का ही बनेगा और इस प्रकार के सिंबल के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिड्यूसर, अगर आपने रिड्यूसर का यूज किया है तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। यूनियन, यूनियन ज्वाइंट के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। क्रॉस, अगर आपने किया है क्रॉस ज्वाइंट बनाया है तो इस प्रकार का सिंबल हमारा बना जाएगा। लेटरल ज्वाइंट के लिए हमारा ये सीधा पाइप है, एक पाइप इधर से लेटरली हमने जोड़ रखा है, तो उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। गेट वाल बनानी है तो ये सिंबल यूज होगा। ग्लोब वाल के लिए हमारा ये सिंबल यूज होगा और चेक वाल के लिए हमारा ये सिंबल यूज होगा। तो ये कुछ सिंबल हैं, लगभग 14 सिंबल हमने बनाए हैं पाइप ज्वाइंट और फिटिंग के लिए। तो आपने भी ड्राइंग फाइल में ऐसे ही साफ और सुंदर अपने ये ज्वाइंट बनाकर अपने टीचर को दिखाने हैं। और तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक सिंबल्स ऑफ पाइप ज्वाइंट एंड फिटिंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि सिंबल कैसे बनाने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। और जो बच्चा चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय से मिलती रहे। और जिन बच्चों ने इस टॉपिक से पहले की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख ले और अपने होमवर्क को कंप्लीट कर ले। आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगी। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।